राधे राधे दोस्तों, हमने अक्सर ये सवाल हमारे समाज में सुना है कि क्या श्री कृष्ण ने प्रेम की वजह से ही माता रुक्मिणी का हरण किया या सिर्फ उनकी प्रार्थना पर उन्हें रुक्मिणी जी से विवाह करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का साफ साफ जवाब देंगे और बताएंगे रुक्मिणी कृष्ण की पूरी मिलन की कहानी। दोस्तों, श्री रुक्मिणी कृष्ण से जुड़ा हर ग्रंथ, खासकर श्रीमद् भागवतम, ये बताता है कि भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती हैं, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में वो संसार में सर्वोत्तम है। इसलिए रुक्मिणी जी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के लिए योग्य समझा था। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। आदर सत्कार और भोजन करवाने के बाद श्री कृष्ण अपने कोमल हाथों से उनके पैरों को सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? ब्राह्मण ने सारी बातें कह सुनाई जो श्री रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखी थी। ये पत्र आज भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। रुक्मिणी पत्रम की महिमा असीमित है। ये प्रेम का वो गोपनीय रस है जो सबको नहीं मिलता। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी जी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आप तुरंत कुछ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता का प्रेम से हाथ पकड़ते हुए हंसते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित तो दिन रात उन्हीं में लगा रहता है। आप रुक्मिणी को कह देना कि वो चिंता ना करें, मैं वहाँ आऊंगा और अपनी रुक्मिणी को लेकर जाऊंगा। मधुसूदन ने ये जानकर कि श्री रुक्मिणी का विवाह लग्न परसों रात्रि ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक, तनिक भी विलंब न करके रथ लाओ। श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और एक रात में ही गति से वो प्रेम से व्याकुल दिल से अपनी प्रियतमा से पुनर्मिलन की आशा में विदर्भ जा पहुंचे। रात भर वो पास ही में एक पेड़ के नीचे अगली सुबह होने और अपनी रुक्मिणी को ले जाने की प्रतीक्षा करते रहे। इस पेड़ को गले लगाना आज भी श्री कृष्ण को गले लगाने के समान है। आखिर जगत स्वामी ने खुद एक रात को अपनी स्वामिनी के लिए इसी पेड़ के नीचे इंतजार किया था। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। रुक्मिणी जी मन ही मन कहती है, केवल एक रात बची हुई है, लेकिन कृष्ण अब तक नहीं आए और वो ब्राह्मण देव भी अब तक कोई संदेश लेकर वापस नहीं आए। लगता है मेरा ही भाग्य मंद है। ये भी संभव है कि पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। जब रुक्मिणी जी ये सब सोच ही रही थी, तब श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण ने कहा, राजकुमारी जी, आपको ले जाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। आज जब रुक्मिणी जी ने ये बात सुनी तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बदले में ब्राह्मण देवता को क्या दें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने केवल ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया, यानी जगत की समग्र लक्ष्मी खुद ब्राह्मण देवता के आगे झुक गई। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं, तो उन्होंने भगवान का वो काफी स्वागत किया। वहाँ पर जितने विदर्भ देश के नागरिक थे, सब चाहते थे कि भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ किसी तरह हो जाए। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति है, दूसरी कोई भी इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कोई भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा कर दें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का पाणिग्रहण करें।
दोस्तों, श्री रुक्मणी के हरण से ही श्री कृष्ण उनसे विवाह कर सकते थे, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण केवल रुक्मणी की प्रार्थना सुनकर उन्हें बचाने गए थे। वो उनसे अपने जन्म से प्रेम करते थे और खुद भागवतम इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए श्री कृष्ण दिन रात उनके प्रेम पत्र का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कन्या का अपहरण करने के लिए उसकी सहमति होना बेहद जरूरी होता है। माता रुक्मणी देवी अंबिका की पूजा कर मंदिर से बाहर निकलती हैं और हजारों राजाओं के बीच में, जो माता रुक्मणी की सुंदरता की वजह से गश खा खा कर रथ से जमीन पर गिर रहे थे, उनमें अपने प्रियतम श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। वो जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी। उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी जिंदगी रुक्मणी को देखकर मुस्कुरा दिए। अचानक कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। ना अपने पिछले जन्म में रावण के रूप में वो सीताराम को अलग कर सका और श्री राम उसकी लंका जलाकर अपनी सीता को ले गए, उसी तरह श्री कृष्ण शिशुपाल की आंखों के सामने अपनी श्री रुक्मणी को ले गए। बची हुई सेना को बलराम जी ने संभाल लिया। माता रुक्मणी के एक बार कहने पर श्री कृष्ण ने रुक्मी को जीवन दान दिया। अलग नहीं, श्री रुक्मणी श्याम एक दूसरे से, इन्हें अलग करने या सोचने वाले का श्री कृष्ण ने हमेशा शिशुपाल समान हाल किया। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishnamysoulkhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसे लगे ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।